चलिए अब आपको सीधा ये चलते हैं रायसिंह नगर, जहां इस वक्त प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तमाम यहाँ के हमारे एमएलए जीत के गए, वो चुनाव चाहे जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, या भी जीत गए कहीं नहीं जीते हैं, पर तमाम लोग मिलकर के मैं चाहूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करने में बड़ देखभाल जी भी समन्वय करें एमपी बनकर, और कैसे हम समस्या का समाधान करें ये हमारी प्राथमिकता होगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे मंत्रालय ने बहुत सारे काम किए, वो जमाने में पहली बार मुख्यमंत्री बने आपने, मुझे भाग्या कैनाल की इनोवेशन काम बड़े रूप में हुआ था, 70 साल के बाद में, 72 साल के बाद में गंग कैनाल जब से बनी थी गंगा सिटी के वक्त में, उसके बाद पहली बार उसकी मरम्मत का काम हमने शुरू किया, बड़ी योजना थी। इंदिरा गांधी कैनाल हो, भाग्या कैनाल का सिस्टम हो या गंग कैनाल हो, किसानों के लिए हमेशा हमने प्रायोरिटी रखी। डिग्गी के निर्माण में 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने दिए थे सब्सिडी के, बाद में नई गवर्नमेंट आई तो कम कर दिए थे। फुमारा खेती हो या ड्रिप इरीगेशन जो बहुत कम होता है, आपको समाजी ज्यादा उसके लिए सब्सिडी दी थी। सोलर पंप लगाने वाले को 86% सब्सिडी दी थी। आदमी की समस्या पानी गंदा आता है, हनुमानगढ़ वाले तो शिकायत करते रहते हैं हमेशा, पानी कम आता है, पूरा आता नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि कैप्टन साहब जो हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, हरीश चौधरी जी वहां पर 5 साल तक रहे, सचिव एआईसी जी के प्रभारी रहे पंजाब के, इनके अच्छे संबंध है, मेरे अच्छे मित्र हैं, हम लोग मिलकर ये चाहेंगे पंजाब से पानी पूरा मिले, टाइम पे मिले और आपको लाभ मिल सके। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले चुनाव में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करी वो पूरी नहीं हो पाई, न काला धन आया देश में, न महंगाई कम हुई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, नौकरी लगी नहीं, नौजवानों की 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, 15 लाख का खाते में डाल देंगे लोगों के, लोकपाल अब जाके सुप्रीम कोर्ट आदेश से लागू हुआ है, बाकी तो गंगा की सफाई की बात भी कर ली, बुलेट ट्रेन की भी कर ली, स्मार्ट सिटी बनाने की कर ली, देश के अंदर हर एमपी को एक गांव सुपुर्द किया गया मॉडल गांव बनाने के लिए, पता नहीं आपके आगे गांव कितना आधुनिक बना है आप जानते हो, पर कोई काम नहीं हुआ। और मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट जब से बनी है, हमने कहा किसानों को कर्जे माफ किए, कोऑपरेटिव बैंक के कर दिए, अभी तक भूमि विकास बैंक के कर दिए, 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करने की बात हमने करी थी जो भर भी नहीं पाए, जो राष्ट्रीयकृत बैंक के हैं प्राइवेट बैंक के हैं ये चुनाव खत्म हुए नहीं, और हमारे नेशनल बैंक के कर्जे माफ हो गए, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। भाई इस प्रकार से हम लोगों ने कई योजनाएं बनाई आपके लिए जो हम लोग चाहते हैं कि वो लागू हो, और 5 साल तक नरेंद्र मोदी की बिजली की हमने कहा है वो लागू कर दिया, 1 लाख कनेक्शन कुओं को दे रहे हैं वो हमने लागू कर दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो कानून बना है ज्यादातर वो लागू हो चुका है, 2 रुपये किलो अनाज मिलता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट से 3 रुपये किलो चावल मिलता पूरे मुल्क में, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोनिया गांधी जी की योजना थी, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का अधिकार, नरेगा का अधिकार दिया बहुत बड़ा, सूचना का अधिकार दिया, और राहुल गांधी चाहते हैं स्वास्थ्य का अधिकार मिले लोगों को। हमने भी यहां पर क्या किया है, पहले 600 दवाएं थी फ्री, टेस्ट फ्री कर दिए मैंने मेरे वक्त में, सोनोग्राफी, ब्लड सैंपल, खून की जांचें, डायलिसिस किडनी वालों के लिए। अब हमने कहा है कि दवाएं बहुत महंगी है, किडनी की, हार्ट की और कैंसर की, तो हमने कहा है तीनों दवाएं फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर, ये भी हमने आदेश जारी कर दिए। दूध
उत्पादक जो है 2 रुपये प्रति लीटर दूध का हम लोग बोनस दे रहे हैं अलग से उनको, क्योंकि सरसों के चने की जो खरीद है उसको हमने बढ़ाया है। अभी भी कुछ शिकायत आ रही थी, उसको हम दूर करेंगे। तो कहते हैं बताइए कि अभी भी उन्हें ज्ञापन दिए गए हैं जिसमें कई मांगे उठाई गई है, और तो और आपके जो रांची नगर की जो कॉलेज थी, मुझे अफसोस होता है कि मुझे अभी कहा गया सर भगत सिंह महाविद्यालय, आपको याद होगा पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद की दूसरी बार, तब तो मैंने उस कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया था, पता नहीं नई गवर्नमेंट आते वहां पर उनको प्राइवेट कर दिया गया। अगर आपकी मांग है कि जो वो बननी चाहिए सरकारी कॉलेज बननी चाहिए, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लागू है, तो चुनाव खत्म होते ही पहले गवर्नमेंट का आदेश क्या लोगों में निकलवाऊंगा और उचित कार्रवाई करेंगे, मैं आपसे वादा कर सकता हूं। पेंशन में बढ़ाती है 500 की 750 और 750,000 रुपए का पेंशन। तो इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायसिंह नगर में आम सभा को संबोधित कर रहे थे, और आपको बता दें इस दौरान उन्होंने अपने 3 महीने के कार्यकाल के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि जितना हो सके मैं किसानों के लिए काम करूंगा, और साथ ही ये भी कहा कि आचार संहिता लगी हुई है और उसके बाद जो भी वादे किए गए, चुनावी वादे जो भी किए गए, वो पूरे किए जाएंगे।